हिडनबर्ग्स रिपोर्ट को लेकर हरियाणा कांग्रेस का राजभवन कूच सफल नहीं हो पाया। चंडीगढ़ पुलिस ने रास्ते में ही कांग्रेस नेताओं को रोक लिया। इस दौरान पुलिस और नेताओं में तीखी नोकझोंक हो गई। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान सहित 50 से अधिक कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें, 25 मार्च को सोनीपत में पर्दाफाश रैली और 2 अप्रैल को यमुनानगर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम से पहले हरियाणा कांग्रेस आज राजभवन तक पैदल मार्च निकाल रही थी। इस मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उपस्थित नहीं रहे। उनके स्थान पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान सहित विधायक मौजूद मार्च नेतृत्व कर रहे थे। राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देना चाहते हैं, राजभवन का घेराव का कार्यक्रम पूरे देश भर में है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई कर रही है और ये सरकार आवाज को दबाने का काम कर रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बार बार मांग की है कि अडानी ग्रुप ने जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं, आज 18 विपक्षी दल इकट्ठे हुए हैं जेपीसी के गठन के लिए, और मैं समझती हूँ मांग को माना जाना चाहिए। उसकी मानने की बजाय जो संसद में हमारे नेता बोलते हैं उनकी बात को डिलीट करने का काम भाषणों में से किया जाता है, बड़ी दुखदायी स्थिति है। मैम, आप क्या कहेंगे राठौर मैम? देखिए, मैं तो कहूंगी कि लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। पहले आप संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में करते हैं, फिर विपक्ष को अपनी आवाज ना संसद में उठाने देते हैं ना विधानसभा में उठाने देते हैं। सड़कों पर जब हम प्रदर्शन करते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं है? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस लोकतंत्र की हत्या का बदला इस प्रदेश की और इस देश की जनता लेगी, वोट की चोट से लेगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।